फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं बनाने वाली हूँ सावन स्पेशल सेवइयों की खीर। बहुत ही यम्मी लगती है। सावन में अक्सर सभी के घरों में बनती है, रक्षाबंधन हो या नागपंचमी। बहुत ही यम्मी लगती है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। झटपट वाली रेसिपी होती है ये। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से सेवइयों की खीर बनाएंगे। ना ही इसमें हमने मिल्क पाउडर यूज किया है, ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क, फिर भी बहुत ही क्रीमी बनती है। वीडियो का देखने के बाद पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म कर लिया है ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के लिए। घी में ही ड्राई फ्रूट को रोस्ट करें ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में दूध में जाने के बाद में बिल्कुल भी ये सॉगी नहीं होते हैं, एज इट इज क्रंची रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक हमें भून लेना है और उसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच घी फिर से डाला है और अब हम डाल देंगे सेवइयों को। सेवइयों को भी अच्छे से रोस्ट करना है। वैसा नहीं करना है जैसा कि आप नमकीन उपमा बनाने के लिए करते हैं। इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक ही हमें रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, एक तो ये दूध में जाके चिपकती नहीं है, बिल्कुल खिली खिली बनती है, साथ में इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, बस इतना ही हमें इन्हें करना है। जल जाएंगी, अगर काली पड़ जाएंगी तो जो दूध में जाके ना वो अच्छी नहीं दिखेंगी, इसलिए बस इन्हें इतना ही पकाना है। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे दूध डाला है। दूध मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अगर आप भी भैंस के दूध के साथ में सेवइयों की खीर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। कोई आपको अलग से मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको चलाते हुए हम पका लेंगे ताकि दूध जो है वो बर्तन को नीचे से लगे ना अच्छे से। पहले इसमें हम उबाल आने देंगे और उसके बाद में हम इसमें सेवइयों को डालेंगे। अभी मैं इसमें सेवइयों को डाल देती हूँ और चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बहुत मोटी मोटी सेवइयां हो जाती है ना, जिन्हें हम पकाते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी ओवर कुक करने की गलती ना करें, नहीं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। साथ में वो जो दूध है ना वो पूरा ही सोख लेती हैं, एकदम ड्राई हो जाती हैं। जितना ये गल जाएंगी ना, बस उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। उससे क्या होता है, क्योंकि सेवइयां थोड़ी देर बाद जो दूध में रहती है ना वो पकती रहती हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, तो यहाँ पे मैं घर की मलाई डाल रही हूँ और एकदम फ्रेश मलाई है ये, पुरानी रखी हुई मलाई ना डालें। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने मलाई डाल दी है। मलाई से क्या होगा ना, इतना क्रीमी फ्लेवर इसका आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने सिर्फ दूध के साथ में इसे बनाया। ऐसे इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल रबड़ी के जैसा आता है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो आप ट्राई करें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 इलायची जिन्हें मैंने खोल के डाल दिया था। आप ट्राई करें जो सेवइयों की क्वांटिटी है वो कम लें और दूध की ज्यादा, क्योंकि जब सेवइयों की खीर बनने के बाद हम रख देते हैं तब भी वो गाढ़ी होती जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी केसर डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे मैं मिश्री डाल रही हूँ। तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, पर मिश्री का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने मिश्री को डाल दिया। इसे हमें थोड़ा सा चलाना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ी बड़ी है। आप देख सकते हैं शक्कर बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, पर मिश्री को आपको 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच के लगभग गुलाब जल डाल दिया है। गुलाब जल से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जैसे कि आप मार्केट में कोई डेजर्ट खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फील आएगा आपको। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। खीर हमारी बन करके तैयार है। मैं बिल्कुल भी इसे गाढ़ा नहीं करूंगी। गाढ़ा होने के बाद में सेवइयों की खीर अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर हमारी बन करके तैयार है। कितनी क्रीमी, देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।